हेलो दोस्तों, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में। तो दोस्तों, JKSSB एग्ज़ाम कैलेंडर 2022 को लेके एक अपडेट लेके आया हूँ आपके साथ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है दोस्तों। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल मीडिया लिंक्स मिल जाएंगे, उनको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, हमने अपना ब्लॉगिंग चैनल भी शुरू किया है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर चेकआउट कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं JKSSB के जो एग्ज़ाम कैलेंडर आने वाला है 2022 का, उसके रिगार्डिंग। तो चलिए जल्दी से वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो JKSSB ने जो रिक्रूटिंग एजेंसीज हम कह रहे थे कि अभी तक नहीं हायर की हैं, तो उनके रिगार्डिंग जो टेंडर एक बार इशू होके कैंसिल हो चुका था, देर आफ्टर फिर से टेंडर को ओपन किया गया और अब की बार जो है एपटेक लिमिटेड और जो एडुक्विटी क्रिएट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों को एक्सेप्ट किया गया है। बाकी जो तीन कंपनीज हैं उनको बिड लिस्ट में रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, रीज़न सामने दिए गए हैं, टेक्निकल इश्यूज पे एक्सेप्शन और रिजेक्शन हुई है। तो दोस्तों, अभी देखिए जो आपकी रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं उनका एक्सेप्शन होना आपके एग्ज़ाम कैलेंडर की पहली नीम है, पहली जहाँ आप सीढ़ी मान सकते हैं। जैसे ही इनको एक्सेप्ट कर लिया गया है, बहुत जल्दी ही विद इन आप मान के चलिए कि 10 to 15 डेज के अंदर, 10 से 15 दिन के अंदर आपका जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो एनी टाइम डिक्लेयर हो सकता है और आपका जो एग्ज़ाम कैलेंडर के विद इन ए मंथ मोस्ट लाइकली आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो दोस्तों शुरू हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबका यही पहले से क्या चल रहा था कि यार अभी तक टेंडर इशू नहीं हुआ, कंपनी कब हायर की जाएंगी रिक्रूटिंग एजेंसीज जो हैं, तो उसके बाद कब कैलेंडर आएगा देखिए। लेकिन अभी जो JKSSB ने काफ़ी फास्ट एक्शन लेते हुए रिक्रूटिंग एजेंसीज का तो क्लियर कर दिया। अब जो बचा है एग्ज़ाम कैलेंडर, जैसे कि हमने पहले बताया था, जो JKSSB के जो काफ़ी सूत्रों से, काफ़ी बड़े बड़े मीडिया चैनल से भी बताया गया था कि जो उन्होंने कहा है कि उनका एग्ज़ाम कैलेंडर रेडी है, बस देरी है तो इनकी रिक्रूटिंग एजेंसीज की। अब जैसे ही इनको एक्सेप्ट कर दिया गया है तो ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, मोस्ट लाइकली 10 से 15 दिन में आपका जो एग्ज़ाम कैलेंडर है एनी टाइम डिक्लेयर कर दिया जा सकता है। और एग्ज़ाम्स की बात करें तो एग्ज़ाम कैलेंडर आने के विद इन ए मंथ आपके एग्ज़ाम शुरू हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, सो दैट जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो आपके दोस्तों को भी मिले। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।